नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स के इस यूट्यूब चैनल में मैं विकास भोपिन और आप सबों का तहे दिल से स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज का ये खास वीडियो है जो महाराष्ट्र के फार्मासिस्ट लोग हैं उनके लिए। मैं उन लोगों को यहां पे आगाह कर देना चाहता हूं, जो भी फ्यूचर में आने वाली बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है MPSC के द्वारा, तो उनके लिए अगर आपको तैयारी करनी है तो आज से ही कमर कसनी है, आज से ही आपको प्रॉपर शेड्यूल बना के इन एग्ज़ाम्स के लिए तैयार होना है दोस्तों। वरना कोई भी आकर के आपके नाक के नीचे से इन अपॉर्चुनिटीज का फायदा लेकर के चला जाएगा। तो आप भी अगर इस अपॉर्चुनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं, खुद को एक अच्छा पोजीशन पे लेके जाना चाहते हैं, तो इन अपॉर्चुनिटीज को ध्यान में रख करके आज से ही आपको पूरा कमर कसना है और तैयार हो जाना है दोस्तों। तो देखिए कौन कौन सी MPSC की फ्यूचर में आने वाली अपॉर्चुनिटीज है, अगर आप उसके लिए क्राइटेरिया में बैठते हैं तो आप उसका प्रिपरेशन बन कर सकते हैं, उसका हिस्सा बन सकते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे ये MPSC के फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी है। सबसे पहली हमारे फार्मेसी के अंदर सबसे बड़ा करियर दोस्तों, तो जिन लोगों को इंडस्ट्री के अंदर 5 साल का एक्सपीरियंस है उन लोगों के लिए ये वैकेंसी निकाला हुआ था MPSC ने, असिस्टेंट कमिश्नर सहायक आयुक्त करके। तो जिन लोगों ने भी इसका फॉर्म भरा हुआ है तो वो लोग भी इसकी तैयारी अभी से स्टार्ट कर देनी है, बिल्कुल इसको कैजुअली नहीं लेना है, इसकी तैयारी करना है। ये बहुत बड़ा मुकाम है दोस्तों, यहाँ पे अगर आप पहुँच जाते हो तो आपके सारे सवाल जो है करियर के रिलेटेड वो सारे ख़त्म हो गए दोस्तों, उसके आगे आपने कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है ड्रग इंस्पेक्टर की, जिसपे अभी तो स्टे लगा हुआ है, अगर एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया निकाल देते हैं तो सभी लोग इसकी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा ले सकते हैं। वरना जिन लोगों को इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है 3 साल का, वो तो बाकायदा उन्होंने इसमें फॉर्म डाला हुआ है, तो वो लोग कैजुअली इसे ना ले, अपना प्रिपरेशन काफ़ी हार्ड तरीके से स्टार्ट करें दोस्तों। इस अपॉर्चुनिटी को ऐसे ही आप आसानी से ना ले, कैजुअली ना ले, बिल्कुल सीरियसली इसको प्रिपेयर करना स्टार्ट करें दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका करियर बनाने में बहुत हेल्प करेगा, वरना जो भी घिसी पिटी आपकी ज़िंदगी चल रही है वो तो आपका करना पड़ेगा दोस्तों, वरना आप आगे कोई अपॉर्चुनिटी को गोल्डन एक चांस में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, अभी आपने इसको सीरियसली नहीं लिया तो। नेक्स्ट है फार्मासिस्ट ग्रुप बी, जो MPSC के द्वारा निकली हुई जगह थी, तो उसके लिए जिन लोगों ने फॉर्म डाले हुए, काफ़ी सारे लोगों ने डाले हुए, तो उसका भी प्रिपरेशन आपको आज से ही स्टार्ट करना है। इसका सिलेबस भी जारी हो चुका है, एग्ज़ाम लेने का भी फैसला MPSC ने किया हुआ है, तो ये फार्मासिस्ट ग्रुप बी की एग्ज़ाम का प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दीजिए। नेक्स्ट है अब आने वाली जो है एग्ज़ाम, असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसका अभी फॉर्म निकला नहीं है, तो इसके लिए भी जो लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो भी किसी ये एग्ज़ाम डेट या फिर इसके फॉर्म निकलने का इंतज़ार ना करें, आज से ही बिल्कुल, जी आज से ही बिल्कुल आपने इसका प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना है। कॉम्पिटिशन बहुत है, बहुत सारे लोग इसके लिए प्रिपरेशन करना कर रहे हैं, और आप भी अगर ये कैपेबिलिटी आपके अंदर रखते हो और ये हौसला आपके अंदर रखते हो तो आपने इसके प्रिपरेशन के लिए आज से स्टार्ट कर देना है, तभी जा कर के ये आपको मिल सकता है दोस्तों। वरना ये तो 1-2 मार्क से भी चला गया तो उसका मतलब भी यही होगा कि आप फेल हो गए, है ना। तो प्रिपरेशन करिए, अच्छे मार्क्स लाइए और इसमें आप कामयाब होने की पूरी पूरी कोशिश करिएगा दोस्तों, ठीक है। अपॉर्चुनिटी एक बार ही आती है, लेकिन कुछ पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है दोस्तों, तब जाके आज की दुनिया में थोड़ा बहुत कुछ मिलता है। तो ये तो इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी, क्या क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको बहुत हेल्प मेहनत करना पड़ेगा, तभी जाकर के ये आपके पल्ले पड़ने वाला है। अगर आप देखो कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं आ रहा है, आप दिल से पढ़ रहे हो लेकिन कोई एग्ज़ाम नहीं निकल रही है, कोई वैकेंसीज नहीं निकल रहे, तो जाहिर सी बात है आप 100% फेल हो जाओगे। अगर कोई सिंगल अपॉर्चुनिटी आती है, सिंगल अपॉर्चुनिटी, तो पूरे पूरे चांसेस है कि 50% आप सक्सेस हो सकते हो, 50% प्रोबेबिलिटी है कि आप फेल हो जाओगे, है ना। चाहे आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो 50% में आ गए आप सक्सेस में, और नहीं हुआ तो फेल हो गए। अगर मान लो डबल अपॉर्चुनिटी है, कोई 2 वैकेंसीज निकली है अलग अलग जगहों पे, तो डबल अपॉर्चुनिटी अगर आपके पास है तो उसका मतलब सेलेक्ट होना और ना सेलेक्ट होना। तो सेलेक्ट होने में डबल अपॉर्चुनिटी है तो 66.66% चांसेस है कि आप सक्सेस हो जाओ, और 33.33% चांसेस है कि आप फेल हो जाओ, आपका सिलेक्शन ना हो। नेक्स्ट, अगर 3 वैकेंसीज निकले, 3 अपॉर्चुनिटीज़ आपको निकले, 3 अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो 75% चांसेस होते हैं कि आप सक्सेस हो जाओ, 25% चांसेस होते हैं कि आपका सिलेक्शन ना हो, आप फेलियर हो जाओ।
और अगर चार अपॉर्चुनिटीज जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, चार अपॉर्चुनिटीज अगर आपके सामने खड़े हो तो 80% चांसेस होते हैं कि आप सक्सेस हो जाओ, आपका सिलेक्शन हो जाए दोस्तों, और बिल्कुल 20% चांसेस होते हैं फेलियर के कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे मुझे बोलना है कि जब वैकेंसीज बढ़ती है, जब अपॉर्चुनिटीज बढ़ती है, तो फेलियर के परसेंटेज डिक्रीज धीरे धीरे देखिए डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे इतनी सारी अपॉर्चुनिटी तो फेलियर के चांसेस भी कम है दोस्तों। तो अगर आप इन सारी एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर किया हुआ है आप लोगों ने, तो चांसेस है कि ज़्यादा से ज़्यादा कि आप सेलेक्ट होने के चांसेस से ज़्यादा है, आपकी ज़िंदगी में बदलाव आने के ज़्यादा चांसेस है दोस्तों। तो आप इसे सीरियसली दे और सीरियसली पढ़े, ठीक है। आपने सुना होगा एक बाण और दो निशान, है ना, एक तीर दो निशान होते हैं। यहाँ पे एक तीर है और चार चार निशान है दोस्तों, कहीं ना कहीं तो लगने वाला है। अगर आपके पढ़ाई में थोड़ी सी भी शिद्दत है, ईमानदारी है, तो वो आप सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो मेरा कहना इतना ही है कि बड़ी शिद्दत से आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करें, शेड्यूल बनाएं, और इसके प्रिपरेशन के लिए हम जो है फार्मा नोट्स की PDF मेंबरशिप आपको देते हैं मात्र 999 रुपीज़ में दोस्तों। ये 999 रुपीज़ का भुगतान आप हमें कोई भी ट्रांजेक्शन ऐप से कर सकते हो, जैसे फ़ोन पे, गूगल पे या फिर पेटीएम से। इसके लिए हमारा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिएगा, 8087339648 पर दोस्तों। जैसे ही आपका कंट्रीब्यूशन हो जाता है, आपको हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल से लिंक किया जाएगा, जहाँ पे आपको हमारे सारे वीडियोस के नोट्स जो है PDF के फॉर्म में मिलते रहेंगे दोस्तों। और इससे आपके प्रिपरेशन में काफ़ी तेज़ी आएगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा दोस्तों। देखो, पैसे की कोई गुंजाइश नहीं है, पैसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, और वक्त भी बहुत है दोस्तों, है ना। तो पैसा भी है और वक्त भी बहुत है आपके पास, तो आप पैसे पेड करके ये मेंबरशिप लेकर के इसके सहारे आप आपका प्रिपरेशन आगे बढ़ा सकते हो, और आपके जो भी चांसेस है सेलेक्ट होने के वो भी आप बढ़ा सकते हो दोस्तों। और हम हमारी ओर से काफ़ी हद तक कोशिश करेंगे कि आपको ये पूरा सिलेबस आपके साथ डिस्कस करें और आपकी पढ़ाई में आपको पूरा पूरा हेल्प करे दोस्तों, है ना। तो ताकि आपका सिलेक्शन में आपको काफ़ी आसानी हो, आपको सारे नोट्स मिले, आपका पढ़ाई भी अच्छे से हो, काफ़ी एंटरटेनमेंट के साथ में यहाँ पढ़ाया जाता है, तो आपको बिना दिक्कत किए सब सिलेबस आपके साथ में डिस्कस किया जाएगा इन सारी पोस्ट के लिए। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, उसका एक शेड्यूल बना के सिलेबस सामने रख के पढ़ाई स्टार्ट करें, और हमारे साथ में जो भी आपको मिल रहा है मटेरियल उसके साथ में पढ़े, ताकि आपके सक्सेस होने के चांसेस बढ़े दोस्तों, ठीक है। कॉम्पिटिशन तो बहुत है, लेकिन शिद्दत और ईमानदारी रहेगी तो सिलेक्शन होने के चांसेस भी तो रहेंगे दोस्तों, है ना। तो कोशिश करिएगा, और जिन लोगों को ज़रूरत है इसकी, उसके साथ में इसे ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि उसके प्रिपरेशन में तेज़ी आए, उसका आत्मविश्वास जो है बढ़ाता हुआ रहे, और वो सक्सेस होने में कामयाब हो दोस्तों, ठीक है। तो आशा करता हूँ सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा दोस्तों। और हाँ, उन लोगों से दिल से दरखास्त है, गुजारिश है, जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और उसके बाद आने वाले बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करिएगा दोस्तों। इससे होगा क्या कि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन, जो भी आपके इस सिलेबस से रिलेवेंट होंगे, उन सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, और आपके प्रिपरेशन में तेज़ी आती रहेगी दोस्तों, और आपको लाभ होता रहेगा। तो फिर मिलेंगे एक और बेहतरीन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।